जब ऑडियंस को देख घबरा गए थे काका, पहली बार उठा पर्दा तो कांप उठे थे राजेश खन्ना। घबराहट में बोला गलत डायलॉग। राजेश खन्ना अपने दौर के सुपरस्टार रहे थे तो साथ ही उन्होंने स्टारडम को भी खूब जिया। कहा जाता है कि उस दौर में उनके जैसा कलाकार कोई दूसरा हुआ ही नहीं। उनकी एक्टिंग दिलों में उतर जाती थी तो आज भी उनकी फिल्में देख लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी रोमांटिक फिल्म हो या फिर एक्शन मूवी, हर रोल में राजेश खन्ना खूब जचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस के दौरान वो इतना घबरा गए थे कि उन्होंने डायलॉग ही गलत बोल दिया था। पिता से बगावत करके बने एक्टर। राजेश खन्ना के पिता कभी नहीं चाहते थे कि बेटा एक्टर बने, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर राजेश खन्ना न सिर्फ एक्टर बल्कि स्टार भी बने। और इसका सिलसिला शुरू हुआ था तब जब वो मशहूर ड्रामा कंपनी से जुड़े, जहां वो रोजाना रिहर्सल देखने जाया करते थे। तब वहां जो कलाकार प्रैक्टिस करते वो उन्हें ध्यान से देखते और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते। उस वक्त वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनके ऊपर किसी बड़े स्टार की नज़र पड़ जाए और उन्हें छोटा ही सही लेकिन किरदार निभाने का काम मिल जाए। और एक दिन ये मौका राजेश खन्ना को मिल ही गया। जब राजेश खन्ना को मिला था मौका, एक बार हुआ ये कि ये कलाकार बीमार हो गया, जिसके बाद उस रोल को निभाने का मौका राजेश खन्ना को मिला। उस वक्त उन्हें सिर्फ एक डायलॉग ही बोलना था और वो डायलॉग था, जी हुजूर साहब घर में है। लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना स्टेज पर आए, पर्दा उठा तो वो डर से कांपने लगे, उनके पसीने छूट गए और घबराहट में वो गलत डायलॉग बोल गए। जी हुजूर साहब घर में है की जगह उन्होंने जी साहब हुजूर घर में है बोला। लेकिन अपनी इन्हीं गलतियों से उन्होंने काफी कुछ सीखा और अपनी मंजिल को भी पा लिया।